हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम मल्टीपल फिंगरप्रिंट एक ही फ़ोन में लगा सकते हैं। सो नॉर्मली आप हर फ़ोन में, हर एंड्रॉयड फ़ोन जिसमें फिंगरप्रिंट होता है, उसमें 3 से 4 फिंगरप्रिंट तो लगा सकते हैं। पर ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीपल आप जितने चाहें उतने फिंगरप्रिंट एक ही फ़ोन में लगा सकते हैं। सो ये ट्रिक का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में 3 से ज़्यादा मेम्बर हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन सारे वो एक्सेस कर पाएँ, या फिर जो भी लोगों को आप अपना फ़ोन एक्सेस करवाना चाहते हैं, अगर आप उनका फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपका फ़ोन एक्सेस कर पाए, तो सिंपली ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। सो ये चलते हैं बिना वक्त जाए, अगर इस ट्रिक को शुरू करते हैं। तो सिंपली मैं आपको पहले फिंगरप्रिंट के ऑप्शन में ले जाता हूँ। सेटिंग में जाके बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में मेरा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पर अभी मेरा पासवर्ड मांग रहा है। सो ये रहा। सो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि मैंने बहुत मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स लगाऊँगा और सारों से ये फ़ोन एक्सेस हो पाएगा। सो मैं मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स लगा के आपको बता देता हूँ। सो मैं मेरी फिंगर को ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फिंगरप्रिंट के रूप में यूज़ करूँगा। सो देखिए गाइस, ये एरर भी आ सकता है आपके वाइप द फिंगरप्रिंट सेंसर। सो इसे आप थोड़ा साफ़ कर लें इस दौरान, फिर अपने डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स यूज़ करते जाएं। मैं अब इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पर्सन्स नहीं है। देखिए फिर एरर आ गया, तो फिर थोड़ा आपको साफ़ करना होगा। फिर एरर आ गया है, थोड़ा इसको क्लीन कर लें सेंसर को। हो चुका है, अब मैं आपको खोल के भी इसको बता दूंगा। सो देखिए, जैसे मैं इसको लॉक कर देता हूँ पहले, और अब मैं आपको बताऊंगा उन्हीं फिंगर से खोल के। सो मैं ये मेरा थंब लगा रहा हूँ, इससे खुल गया है आसानी से। दूसरी फिंगर ट्राई करते हैं। सो मैंने दूसरा थंब लगाया, उससे भी खुल गया है। सो अब नेक्स्ट फिंगर से ट्राई करते हैं। सो देखिए, इससे भी ओपन हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दे दिया है कि सारी फिंगर से मैं अपना फिंगरप्रिंट लॉक खोल पा रहा हूँ।